पीएचपी लैंग्वेज में अगर आपको एफटीपी सर्वर को एक्सेस करना है या एफटीपी सर्वर प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए आपको एफटीपी फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द एफटीपी फंक्शंस गिव क्लाइंट एक्सेस टू फाइल सर्वर थ्रू द एफटीपी प्रोटोकॉल। अब ये एफटीपी प्रोटोकॉल या हम लोग एफटीपी प्रोग्रामिंग पीएचपी में क्यों कर रहे हैं, इसका मेन आपको पर्पस या रीज़न समझ में आना चाहिए, तभी आप मतलब इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह। होता क्या है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं पीएचपी के अंदर, तो वो होती है आपकी एचटीटीपी सर्वर के ऊपर, ठीक। अब एचटीटीपी जो सर्वर होते हैं वो आपके स्लो होते हैं, स्लो इस बेस पे कि आपको लिमिटेड एक्सेस रहता है उसमें, लिमिटेड आपको हार्ड डिस्क में स्पेस मिलता है। तो कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर आपको लेट कर लो एक साइट है जो आपको, या आप कोई साइट बना रहे हो जहाँ पर आप कुछ फाइल स्टोर करनी है और उस फाइल का एक्सेस देना है आपको अपने क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट आपका आपके वेबसाइट से वो फाइल डाउनलोड कर सके। अब आपके जो HTTP सर्वर होते हैं जो पोर्ट नंबर 80 पे चलते हैं, तो वो स्लो पोर्ट होता है बेसिकली, क्योंकि शेयरेबल रहता है वो आपके मल्टीपल क्लाइंट्स में। तो प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर आप अपनी फाइल HTTP सर्वर के ऊपर डाल देते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हो, HTTP सर्वर के ऊपर आपने फाइल डाल दी और एट ए टाइम बहुत सारे यूज़र उस फाइल को एक्सेस करने लगे या डाउनलोड करने लगे, तो आपका साइट क्रैश हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि वो स्पीड ना मिले आपकी क्लाइंट को, कि फाइल जब डाउनलोड हो रही है तो स्पीड आपकी बहुत स्लो आएगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करें, मतलब आप अपनी फाइल एक ऐसे सर्वर पे डालें जो एफटीपी सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। और वो एफटीपी जो पोर्ट होते हैं वो 21 पे चलते हैं बेसिकली, सर्वर सेम रहेगा बट आपका पोर्ट अलग हो जाएगा। अब वो हाई स्पीड पोर्ट होते हैं जहाँ पर आपका बैंडविड्थ ज़्यादा रहती है और आपकी फाइल बहुत तेज़ी से डाउनलोड या अपलोड हो सकती है। मतलब हम एफटीपी सर्वर क्यों यूज़ करते हैं, रिमोटली अगर आपको इंटरनेट पे फाइल एक्सेस करनी है, मतलब डाउनलोड करनी है और अपलोड करनी है बहुत तेज़ी से फास्ट वे में, तो हम एफटीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि एफटीपी में जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे आर यूज टू ओपन लॉग इन क्लोज कनेक्शन एज वेल एज अपलोड डाउनलोड रिनेम डिलीट एंड गेट इंफॉर्मेशन ऑन फाइल फ्रॉम द फाइल सर्वर्स, ठीक है। अब नॉट ऑल द एफटीपी फंक्शन विल वर्क विथ एवरी सर्वर्स एंड रिटर्न द सेम रिजल्ट। तो होता क्या है कि जब हम एफटीपी सर्वर्स यूज़ करते हैं तो कुछ एफटीपी सर्वर्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कुछ फंक्शंस इसमें नहीं होते हैं, तो सारे फंक्शंस नहीं चलेंगे लेकिन जो कॉमन फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन आपके चल जाएंगे। जैसे ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है कि आपको लॉग इन करना है, ठीक है, कनेक्शन ओपन करना है, क्लोज करना है, फाइल को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, रिनेम करना है, डिलीट करना है, ये सारे फंक्शन चल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली यही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि क्लाइंट, जैसे मान लो आपने एक वेबसाइट बनाया पीएचपी में, तो हमें एक एफटीपी क्लाइंट बना के देना पड़ता है। एफटीपी क्लाइंट का मतलब ऐसा कोई बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, सिंपल एक पेज बना के देना पड़ता है आपको पीएचपी में, जिसमें कोडिंग जो होती है वो इस एफटीपी फंक्शंस का यूज़ करके हम एफटीपी सर्वर को एक्सेस करा देते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी कंपनी, आपने लैपटॉप खरीदा है किसी कंपनी का और आपको कुछ ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, तो आप उनकी साइट एक्सेस करते हो तो वो आपको ड्राइवर का एक लिंक दे देते हैं, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी फाइल डाउनलोड होने लगती है। वो बेसिकली फाइल आपकी उनकी एफटीपी सर्वर के ऊपर पड़ा रहता है, मतलब जो फाइल डाउनलोड हो रही होती है वो एफटीपी सर्वर से हो रही होती है और उसका लिंक आपको पेज में दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही सीखना है पीएचपी में कि कैसे हमें एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करना है, एफटीपी सर्वर से कैसे हमें फाइल डाउनलोड करानी है, कैसे अपलोड करानी है, मतलब आपको क्लाइंट बना के देना है यूजर को, ठीक है, फास्ट एक्सेसिंग के लिए, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि दीज फंक्शंस आर मेड फॉर डिटेल एक्सेस वाय द एफटीपी सर्वर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि जो एफटीपी फंक्शंस होते हैं आपके पीएचपी के अंदर, जब आप पीएचपी इंस्टॉल करते हो, वैम सर्वर या जैम सर्वर आप इंस्टॉल करते हो, तो उसमें आपका
FTP फंक्शंस आपके इनबिल्ट होते हैं, वो आपके डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप उसको रन करते हो तो डायरेक्टली रन हो जाते हैं। तो अब विंडोज़ में क्या होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। विंडोज़ वर्जन PHP वाज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर FTP एक्सटेंशन, सो FTP फंक्शन विल वर्क ऑटोमेटिकली, ये आपका ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन अगर आप लाइनक्स पे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग लाइनक्स, ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाइल करना पड़ेगा माइनस, मतलब दो बार आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अनेबल माइनस PHP, ठीक है। इस तरह से आपको कंपाइल करना पड़ेगा अगर आप PHP 4 या उससे हायर वर्जन ले रहे हैं, और उससे छोटा ले रहे हैं वर्जन तो डबल माइनस विथ FTP, ठीक है। कंपाइल करने का तरीका ये होता है कि उनका जो PHP कंपाइलर होता है, जैसे लाइनक्स में आप जब प्रॉम्प्ट आता है आपका, तो इस तरह से प्रॉम्प्ट आएगा, और जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, लेट कर लो कोई वर्किंग डायरेक्टरी आपकी XYZ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब कंपाइल करोगे, तो कंपाइलेशन के समय आपको PHP कंपाइलर यूज़ करना पड़ता है, देन आपके प्रोग्राम का नाम, ठीक है, प्रोग्राम का नाम हो गया, लेट कर लो hello.php। तो यहाँ पर जो PHP है, PHP के साथ आपको डबल माइनस अनेबल माइनस FTP ये कमांड देना पड़ेगा। तो जब आप ये कमांड दे देंगे तो आपका इसमें FTP जो फंक्शन आपने इस प्रोग्राम में यूज़ किए होंगे वो सारे कंपाइल हो जाएंगे, नहीं तो एरर आएगा, वो कहेगा कि आपका FTP फंक्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप सिंटेक्स, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब फंक्शंस कौन कौन से हैं जो FTP में यूज़ करना है। तो सबसे पहले FTP कनेक्ट, लेकिन अब FTP सर्वर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप FTP प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पास FTP सर्वर होना चाहिए। अब सर्वर तो है नहीं हमारे पास इस सिस्टम के ऊपर, तो एक काम करते हैं, हम FTP सर्वर को डाउनलोड करते हैं। तो फाइल जिला का नाम सुना होगा आपने, तो फाइल जिला जो आपका सर्वर है बेसिकली, तो आप इस साइट पे जाके, आप फाइल जिला सर्वर की एक साइट है, ये FTP सर्वर आपको देते हैं, ठीक है। तो ये FTP सर्वर जो है, ये आप सॉफ्ट सोनिक इनकी वेबसाइट से ना करके, आप इनकी जो ऑफिशियल साइट है आप वहाँ से डाउनलोड करें, हो सकता है इसमें बग वगैरह हो, वायरस हो। तो ये बेसिकली आपका ठीक है, तो यहाँ से ये फाइल जिला की ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ से आप क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं ये सर्वर। तो क्लाइंट तो हमें चाहिए नहीं, बेसिकली हम क्लाइंट PHP में बना रहे हैं तो हमें सर्वर चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ देखिए विंडोज़ ओनली के लिए आपका ये फाइल जिला सर्वर है, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ पहले, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैंने ये डेस्कटॉप पे लेके आ गया हूँ। ये 2 MB की आपकी फाइल होगी, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो फाइल जिला सर्वर, ये आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे ये FTP सर्वर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो इसमें एग्री पे क्लिक करना है। इसमें देखिए आपको बता रहा है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है, तो इसमें फाइल जिला सर्वर आपको इंस्टॉल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस आपको इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं हम इसमें प्रोग्राम फाइल्स में, फाइल जिला सर्वर नाम की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पर ये इंस्टॉल करेगा। अब इसमें ये जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर एडमिनिस्ट्रेटर का पोर्ट नंबर है, तो ध्यान रखिएगा ये पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, या तो आप ऐसा पोर्ट नंबर दीजिए जो याद रहे। तो मैं इसमें याद रखने के लिए 2121 दे देता हूँ। इसे नेक्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये भी आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही थी उसका आप यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोज। अब जैसे आप ये इंस्टॉल करने के बाद, आप ये ऑटोमेटिक आपका ये विंडो स्टार्ट करेगा। अब आपको ये ले जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल के ऊपर, तो आपका जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, मतलब आपको बता रहा है कि आप किस सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो। तो लोकल होस्ट हमने पोर्ट नंबर 2121 दिया था, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम इसे
कुछ नहीं देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं, आप चाहो तो पासवर्ड यहाँ दे सकते हो, तो मैं एडमिन दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका लॉग ऑन हो गया, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल में आ चुके हैं। अब यहाँ क्या होता है, आपको यूज़र्स ऐड करने होते हैं। ठीक, तो यूज़र ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अभी कोई यूज़र नहीं है यहाँ पर, देखिए। तो आपको एक यूज़र ऐड करना पड़ेगा, तो यूज़र मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, लेट कर लूँ। यूज़र का नाम मैंने दे दिया डेमो। ठीक है, अभी इसका कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं, सिर्फ ओके कर देते हैं। ठीक है, अब अकाउंट अनेबल है, अगर आप चाहो तो इसका पासवर्ड दे सकते हो, तो मैंने पासवर्ड भी डेमो दे देता हूँ। ठीक है, अब कोई पीएचपी में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो पीएचपी में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमें कनेक्शन देना पड़ता है। यहाँ देखिए आप, हमें कनेक्शन देना पड़ता है कि हम किस सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये लोकल एफटीपी सर्वर के लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया लोकल के लिए, मतलब आपका जो एफटीपी सर्वर है आपकी मशीन पे। अगर कोई एफटीपी सर्वर आपके रिमोट सर्वर पे होगा, तो आपको रिमोट के लिए आपको इस तरह से देना पड़ता है, एफटीपी कोलन आपके सर्वर का नाम डॉट कॉम। ठीक है, तो अभी लोकल है, तो लोकल के लिए आपको 127.0.01 आपको ये देना है। ठीक है, तो चलो ये एक यूज़र आपका बना दिया आपने, लेकिन अब ये यूज़र कौन सी डायरेक्टरी एक्सेस कर सकता है, आपको ये भी परमिशन देनी पड़ती है। तो आप यहाँ शेयर्ड फोल्डर में जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर में आपको एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा कि मतलब हम इसको कौन सी डायरेक्टरी का एक्सेस दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी ड्राइव में एक मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई है जावा प्रो करके, सुबह मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, इसमें जावा के प्रोग्राम्स हैं, तो मैं इसका एक्सेस दे देता हूँ, लेट कर लो। ठीक, अब ये क्या कर सकता है, इस डायरेक्टरी का रीड कर सकता है, इसमें फाइल राइट कर सकता है, इसकी फाइल डिलीट कर सकता है, इसमें अपेंड कर सकता है, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, डायरेक्टरी डिलीट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, उसमें सब डायरेक्टरी बना भी सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक्सेस पूरा इसको दे दिया, इस डेमो यूज़र को। ठीक है, अब आप चाहो तो स्पीड लिमिट दे सकते हो, आईपी फिल्टर दे सकते हो। आईपी फिल्टर का मतलब यूज़र अगर इस सर्वर से कनेक्ट है, तो अगर पर्टिकुलर अपने आईपी एड्रेस से आ रहा है लॉगिन करके, तभी आप इसमें वो लॉगिन करने दे, नहीं तो नहीं दे। ठीक है, तो ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल कॉमन कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम पहला हमने यूज़र बना लिया, और उसको किस फोल्डर का एक्सेस देना है वो हमने दे दिया। अब हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, तो आपको लिख के आएगा कि डन सेंडिंग अकाउंट सेटिंग, मतलब आपका अकाउंट सेट है, तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एफटीपी सर्वर पीछे चल रहा है, आपने एक यूज़र बना दिया है और उसको एक लोकेशन दे दिया है कि वो अगर कनेक्ट होता है हमारे सर्वर से, तो वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है एफटीपी कनेक्ट, इससे हम पहले सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो आपका इस रिमोट सर्वर का हो गया, एक क्लाइंट का हो गया, मतलब लोकल सर्वर का हो गया। अब इसके बाद हमें लॉगिन कराना पड़ता है, तो दूसरा फंक्शन है हमारा एफटीपी अंडरस्कोर लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको एफटीपी कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा, तो कनेक्शन हम ये वाला पास करेंगे इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ यूज़र आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे। तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपका क्या था भाई, डेमो और डेमो। इसका फुल एग्जांपल देखिए, ये है, हमने पीएचपी कोडिंग के अंदर हमने कनेक्शन बनाया। ठीक है, कनेक्शन अगर प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आपको बोलेगा कुड नॉट कनेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, लॉगिन किया, तो लॉगिन में हम यहाँ डेमो डेमो दे देंगे, और अगर ये कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली तो इसमें ट्रू आ जाएगा। अगर ट्रू आ गया तो हम चेक करें कि अगर रिजल्ट या रिस्पॉन्स ट्रू है, तो सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड लॉग्ड इन।
नहीं तो रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड, और हम एफटीपी कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई कनेक्शन आप क्लोज ओपन करते हैं तो आपको इसको क्लोज करना पड़ता है। तो एफटीपी अंडरस्कोर क्लोज फंक्शन होता है जो कनेक्शन को क्लोज करता है। तो मैं इस कोडिंग को चला के दिखाता हूँ आपको, जिसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक नए पेज में जाता हूँ नोटपैड में, ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं सेव करूँगा कहाँ पर, अपने डी ड्राइव में, वैम के अंदर जो मेरी डायरेक्टरी है। अगर आपके पास जैम है तो जैम करके आपकी एक डायरेक्टरी आएगी, XAMPP, इस तरह से नाम की एक डायरेक्टरी आएगी, उसको डबल क्लिक करिएगा। उसके अंदर आपका एक फोल्डर आएगा STDocs, उसको आप डबल क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर जो फोल्डर आता है वो WW आता है। जैम्प में क्या होगा, जैम्प के अंदर STDocs होगा, यहाँ पर WW होता है। अब इसके अंदर STDocs के अंदर आपकी वेबसाइट बनी होगी, जैसे मैंने यहाँ एक डेमो साइट बनाई है, तो आपके अंदर भी डेमो साइट बनी होगी, ठीक है। तो डेमो साइट के अंदर हम क्या करते हैं, इसका फाइल का नाम देके इसको सेव कर देते हैं, FTP_connect और login.php। तो मैंने इस तरह से ये प्रोग्राम सेव कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम वेब सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वेब सर्वर स्टार्ट किया, वेब सर्वर आपका ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो आपका वेब सर्वर है वो रनिंग मोड में आ गया, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, लोकल होस्ट, डेमो साइट, और यहाँ पर उस प्रोग्राम को लिख के एंटर कर देते हैं उसका नाम। तो अब आपका क्या बोल रहा है, लॉगिन और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर पेस्ट किया था, तो ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पर हमने यूज़र आईडी पासवर्ड सही नहीं दिया था। तो डेमो और यहाँ डेमो देना है हमें, वो मैं चेंज करना भूल गया था। इसको मैंने चेंज किया और सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो लिख के आया सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड लॉग्ड इन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, और पीछे आपका FTP सर्वर रनिंग मोड में होना चाहिए। देखिए ये आपका FTP सर्वर चल रहा है, फाइलजिला जो सर्वर है ये रनिंग मोड में। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, लेट कर लो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, अभी सर्वर बंद हो गया, ठीक है। हो सकता है कि, ठीक है, कंट्रोल बंद हुआ है, अभी सर्वर बंद नहीं हुआ है, सर्वर को बंद करना पड़ेगा मुझे। मैं देखता हूँ जाके यहाँ से, ठीक है। तो यू रियली वांट टू टेक द सर्वर ऑफलाइन, यस, अब ये सर्वर आपका ऑफलाइन मोड में चला गया। अब मैं फिर से यहाँ रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो लिख के आ रहा है देखो, कुड नॉट कनेक्ट, मतलब ये वाला जो कोड है आपका, जो पहला फंक्शन है आपका, ये कनेक्ट करने के लिए इसको सर्च कर रहा है, इसको सर्वर को। अब सर्वर नहीं मिला तो उसने क्या बोल दिया, ये मैसेज दे दिया कुड नॉट कनेक्ट, ठीक है। तो वापस हम इसको एक्टिव कर देते हैं, सर्वर पर जाके इसको एक्टिव कर दीजिएगा, तो सर्वर आपका ऑनलाइन आ गया। अब फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड लॉग इन। तो आपका ये जो मेथड्स हैं ये दोनों काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है इसमें आपका FTP_nlist। तो कनेक्ट होने के बाद हमें ये बताना पड़ता है कि आपके सर्वर पर कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है, ये आपको उसको डिस्प्ले करके दिखाना पड़ता है यूज़र को। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपकी एनलिस्ट कनेक्शन जो आपने दिया होगा डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी जो होती है वो आपकी किससे रिप्रेजेंट होती है, स्लैश, स्लैश का मतलब रूट डायरेक्टरी होता है FTP सर्वर के ऊपर। तो हमें क्या करना है, उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं वो आपको डिस्प्ले करानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे, लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन जैसे हमने लिखा तो ये आपका एरे रिटर्न करता है। देखो मैंने क्या बताया इसमें, ये फाइल एरे रिटर्न करेगा। तो एरे को प्रिंट कराने का एक फंक्शन मैंने एरे वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इसमें प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन होता है जो एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देता है, लूप लगाने की जरूरत नहीं होती। अब इसको आप प्री में लिखोगे तो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर वे में दिखा देगा, मतलब न्यू लाइन करता हुआ आपका एक
इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू इस फॉर्म में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, इसको हम सेव एज कर लेते हैं, FTP_nlist। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो, ठीक है, तो अब इसने प्रिंट करा के दिखा दिया कि आपका उसके अंदर सिर्फ दो फाइल पड़ी हुई है, पहली square.class और दूसरी आपकी square.java। तो जाके देखते हैं उसके अंदर फाइल्स कौन सी पड़ी हुई है। ये देखिए दो फाइल पड़ी हुई है, तो आप क्लाइंट को ये फाइल वेब पेज पे दिख रही है, मतलब ये क्लाइंट देख रहा है कि हाँ उस डायरेक्टरी में ये फाइल्स पड़ी हुई है। अगर हम इसका लिंक बना के दे दें और इस पर बोलें कि आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो ये FTP सर्वर के थ्रू डाउनलोड होगी, जो बहुत तेज़ी से डाउनलोड होगी क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने जो ये जो फाइल जो जो डाउनलोड किया था यहाँ पर आपने देखा था, तो जब डाउनलोड कर रहे थे हम, तो ये जो डाउनलोड हुई थी फाइल ये वाली, ये आपकी FTP सर्वर से डाउनलोड हुई होगी इनकी। ठीक है, तो उसी तरह से आप भी अपना लिंक बना के दे सकते हो। अब डाउनलोड कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें चेंज डायरेक्टरी, नेक्स्ट फंक्शन होता है आप डायरेक्टरी चेंज करना है। मान लो कि मान लो ये आपका ये एक जावा प्रोग्राम फोल्डर है, इसमें हम नया फोल्डर एक बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं एक फाइल डाल देता हूँ कोई भी, न्यू करके एक फाइल हम टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, नेट के लिए उसका नाम ABC.txt हो गया। उसके अंदर कुछ मैं डेटा लिख देता हूँ, डेमो फाइल। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका CSDIR, ये आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है तो उसमें अगर आपको मूव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये एक CSDIR फंक्शन होता है जो आपको ये करने में हेल्प करता है। तो कैसे करना है, तो उसमें दो फंक्शन होते हैं, जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का होता है PWD फंक्शन होता है, जिससे हम निकाल सकते हैं कि भाई अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है आपकी। ठीक है, फिर हम उसमें डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए आपको डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा, तो इस प्रोग्राम को पूरा मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, सेव एज FTP_CHDIR और PWD। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड चेंज किया, डेमो डेमो, अब यहां पर वो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा, इससे करेंट वर्किंग डायरेक्टरी FTP_PWD, तो आपको स्लैश लिख के आएगा आउटपुट में स्लैश, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्टरी इमेजेस से, तो हमारी इमेजेस डायरेक्टरी तो है नहीं वहाँ पर, हमारी डायरेक्टरी जो है वहाँ पे क्या है, ABC है। देखते हैं फिर से जाके कौन सी डायरेक्टरी है हमारी, ABC, तो हम ABC के अंदर चले जाएंगे। अब फिर से हमें प्रिंट कराना है, तो वो आपको क्या बताएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा स्लैश ABC बताएगा। अब उसकी आपको एनलिस्ट आपको निकालनी है, किसकी, उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी डायरेक्टरी है उसकी हम लिस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डायरेक्टरी हमने चेंज कर ली, इमेजेस डायरेक्टरी नहीं है हमारी, कौन सी डायरेक्टरी है, ABC, तो हम चेंज टू ABC डायरेक्टरी। तो ABC डायरेक्टरी में आप चले गए, तो नाउ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो आपकी PWD से आपका क्या होगा, वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी आपकी। अब हम क्या चाहते हैं कि उसके अंदर जो फाइल्स हैं बेसिकली वो सारी प्रिंट हो जाएं, तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर हमने फाइल कौन सी बनाई थी आपको याद होगा, डेमो करके एक फाइल बनाई थी हमने ABC के अंदर ABC.txt फाइल बनाई थी। तो हमें ये फाइल प्रिंट होके आना चाहिए कि हम कौन सी फाइल है इसके अंदर, तो हम इस यहाँ पर इसका पाथ दे देंगे। तो ये फंक्शन आपको कॉपी करके
यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको वो पाथ ले लेगा, तो इसका वो एन लिस्ट निकाल के दे देगा। अब इसको एरे फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए ए को हम प्री कर देते हैं, सॉरी ए को प्री, ठीक। तो अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ, एफ टी पी सी एच डी आई आर और पी डब्ल्यू डी। तो देखो यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी उसने स्लैश बताया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने कॉल किया तो आपको बताएगा कि वो आप रूट पे हो, तो रूट आ गया ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर डी आर करके आपने की डायरेक्टरी चेंज किया, फिर आपने करंट डायरेक्टरी, नाउ करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज, फिर कनेक्शन लिया तो स्लैश ए बी सी उसने बताया कि आप ए बी सी के अंदर आ गए। फिर आप ए बी सी के अंदर जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, ये पाथ दे दिया उसको और उसका कनेक्शन पे एन लिस्ट आपने एक्सेस कर लिया, तो उसमें एक ही फाइल थी तो उसने एक ही फाइल आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें फंक्शन एफ टी पी अंडरस्कोर पुट। अब ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ रहे हैं आपके, अपलोड पुट का मतलब होता है आपको अपलोड करना, तो द एफ टी पी अंडरस्कोर पुट फंक्शन अपलोड फ्रॉम अ लोकल फाइल टू द एफ टी पी सर्वर। मतलब एफ टी पी सर्वर फाइल अगर आपको अपलोड करनी है तो इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से, एफ टी पी अंडरस्कोर पुट पहले कनेक्शन देंगे, रिमोट फाइल का नाम पहले, जो सर्वर की जो फाइल है उसका नाम आपको यहाँ देना पड़ेगा, किस नाम से आपको सेव करना, लोकल फाइल आपकी कौन सी है, मोड मतलब आपकी एस्काई मोड है कि आपके बाइनरी मोड है। ठीक है, नेक्स्ट है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब ये होता है अगर आप बहुत हैवी फाइल अपलोड कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, फिर रोक के जब अपलोड करोगे तो आपको उसी पर्टिकुलर उससे आपकी अपलोड होगी। तो बहुत से सर्वर्स होते हैं वो रिज्यूम फैसिलिटी नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो रिज्यूम फैसिलिटी उसमें है कि नहीं है। तो ये ऑप्शनल कमांड होता है, ये आप छोड़ सकते हो। तो हम लोग क्लाइंट से इतनी हैवी फाइल अपलोड नहीं कराते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो रिज्यूम देना पड़ता है, लेकिन अभी जो हम इसमें एग्जाम्पल यूज़ करें इसमें रिज्यूम नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी फाइल अपलोड करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल कॉपी द टेक्स्ट फाइल, मतलब सोर्स डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल बनानी है, किस फोल्डर के अंदर, अपने डेमो साइट के अंदर, जो आपकी डेमो साइट है उसके अंदर एक हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल को करने के लिए। तो अब इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, सर्वर के ऊपर, सर्वर का नाम क्या दे देंगे, डेमो टारगेट डॉट टी एक्स टी। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने डेमो साइट के अंदर, डेमो साइट के अंदर गए, यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके सोर्स, इस सोर्स में लिख देते हैं दिस इज सोर्स फाइल, इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे। अब सर्वर जो है हमारा बेसिकली ये है, मतलब यहाँ पर आपकी फाइल सोर्स नाम से बन के आएगी, टारगेट नाम से बन के आएगी। तो उसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है, इसको हम लोग सेव एज करते हैं एफ टी पी अंडरस्कोर पुट। तो यहाँ पर हम यूजर आईडी डेमो, पासवर्ड डेमो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो फाइल हमने दी है टारगेट डॉट टी एक्स टी, ये सर्वर की फाइल है, ठीक है, ये आपकी सोर्स कंप्यूटर की फाइल है, और मोड हमने लिया एफ टी पी अंडरस्कोर एसकाई। अब जैसे आप ये लाइन चलाओगे या प्रोग्राम चलेगा तो ये आपको वन प्रिंट करेगा, द आउटपुट ऑफ द कोड अबव विल बी वन। इसका मतलब ये हुआ, वन का मतलब फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो वन लिख के आया, वन का मतलब ये सर्वर पे आपको फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जावा प्रो के अंदर जाओ, देखो टारगेट डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल बन गई, और यहाँ पे उसमें वही चीज लिखी हुई है जो आपकी सोर्स में लिखी थी। अब इसी का अपोजिट फंक्शन है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन से क्या होता है, फाइल डाउनलोड होती है। तो इसमें जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में थोड़ा उल्टा हो जाता है क्या,
लोकल और रिमोट, मतलब पहले रिमोट आया था फिर लोकल आया था, अब लोकल आएगा फिर रिमोट आएगा, मतलब रिमोट से फाइल आप लोकल में डाल लो, मोड आपको जो भी एसकेआई लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेमो साइट है उस डेमो साइट में जाके सोर्स नाम की जो फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो टारगेट फाइल है इसका नाम आप चाहो कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, नाम मैं दे देता हूँ सपोज वेट कर लो माई फाइल, ठीक है। अब दिस इज सर्वर फाइल, इसमें मैं ये लिख देता हूँ तो अब ये जो माय फाइल है कहाँ पड़ी हुई है, सर्वर के ऊपर। अब सर्वर से हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये हमारी डाउनलोड कहाँ हो जाएगी, इस पर्टिकुलर साइट में, ठीक है। तो ये हमें कोड देना पड़ेगा, तो सेव एस कर लेते हैं, FTP अंडरस्कोर गेट। तो मैं यहाँ पर जो फाइल दे रहा हूँ इसका नाम दे देता हूँ, लेट कर लो टेम्प डॉट टी एक्स टी, और रिमोट फाइल का नाम जो है हमारा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ FTP अंडरस्कोर गेट, ठीक है। तो इसमें लाइन नंबर 5 पे एरर आया है, 1 2 3 4 5, तो इसमें देखते हैं ये दो ब्रैकेट दो कॉमा लग गए, इसको सेमी कोलन मतलब कॉमा हटाना है एक आपको, रिफ्रेश, तो देखो 1 आ गया। तो अब क्या है, ये वाली जो फाइल है आपकी माय फाइल, ये आपके सर्वर के डायरेक्टरी के अंदर आ गई जिसका नाम क्या है टेम्प। तो टेम्प को आप ओपन करके देखो तो इसमें वही लिखा होगा जो सर्वर पे लिखा था, तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिनेम, आप फाइल को मान लो रिनेम करना है आपको, तो रिनेम करने के लिए आपको FTP अंडरस्कोर रिनेम कनेक्शन देना है, ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम आपको देना पड़ेगा। तो लेट कर लो, मैं यहाँ पर जो माई फाइल है उसका नाम चेंज कर देता हूँ, जो सर्वर पर पड़ी हुई है हमारी, जैसे ये माई फाइल है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, टेम्प फाइल दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ उसको हम FTP अंडरस्कोर रिनेम। तो यहाँ ओल्ड फाइल नेम हमारा क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब न्यू फाइल पे मैं नाम दे देता हूँ माई फाइल अंडरस्कोर न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कनेक्शन क्लोज। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें एंटर किया तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आया, मैं देखता हूँ जाके, तो देखो माई फाइल अंडरस्कोर न्यू डॉट टी एक्स टी आपका नाम चेंज हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह की कोडिंग कर सकते हो कि अगर सक्सेसफुली रिनेम हो गई है तो यहाँ पर इफ करके आप दे सकते हो, ठीक है। माय फाइल को मैं माय फाइल न्यू को फिर से मैं माय फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल रिनेम सक्सेसफुली, तो वहाँ जाके देखते हैं, देखो तो माय फाइल फिर से आपका चेंज हो गया। तो यानी कि मतलब आप फाइल रिनेम कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट के लिए आपका ये फंक्शन है FTP डिलीट, तो फाइल का नाम दोगे आप तो फाइल डिलीट कर देगा, और ट्रू और फॉल्स आता है, तो अगर फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो रही है तो आपको 1 लिख के आएगा, नहीं तो आपका फॉल्स में आपका फॉल्स आएगा, तो इसको हम
सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है बेसिकली कौन सी है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको मेरे को डिलीट करना है। तो आप चाहो तो अच्छा सा कोई मैसेज देना है तो आप इसको इफ लगा के कर सकते हैं। इफ अगर फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो रही है तो इको कर देंगे, फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड, एल्स नहीं तो क्या आ जाएगा, इको फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, FTP underscore डिलीट, तो फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड। तो देखो आप यहाँ पर पीछे जाके सर्वर में जाके फाइल यहाँ पर नहीं है। अब लेट कर लो, मैं फिर से इसको एंटर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो क्या लिख के आएगा, फाइल नॉट फाउंड लिख के आ रहा है आपका। और FTP फंक्शन ये आपका कॉलम क्रिएट कर रहा है, इसने भी अपना एक मैसेज दे दिया, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अब एक और फंक्शन है इसमें mkdir, मतलब आपको डायरेक्टरी बनानी है तो आप डायरेक्टरी बना सकते हो। चेंज डायरेक्टरी में पहले आपको बता चुका था, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन और हैं, तो mkdir का मतलब आपको डायरेक्टरी अगर क्रिएट करनी है, तो सिंपल सा है एक फंक्शन इसमें, तो इसको भी चला के दिखा देता हूँ। ftp underscore mkdir.php, मतलब ये जो नाम मैं दे रहा हूँ, आप नाम इस पर ये नहीं जाना कि जो फंक्शन का नाम है उसी नाम से आपकी फाइल सेव करनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो याद करने के लिए कि हाँ भाई ये इस नाम से, तो टेस्ट डायरेक्टरी नाम से एक आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी और आउटपुट में वन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ftp underscore mkdir। ठीक है, तो ये आपका पाथ उसने दे दिया कि डायरेक्टरी आपकी बन गई है, तो आप वहाँ पीछे जाके देख सकते हो ये टेस्ट डीआर नाम से डायरेक्टरी बन गई। तो यहाँ पर chdir जो है आपका ये फंक्शन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, ये फिर से दोबारा इसमें आ गया है, तो आप डायरेक्टरी चेंज करके आप उसको देख सकते हो। तो दैट्स ऑल, ये फंक्शंस जो थे आपके बहुत हेल्पफुल फंक्शन है अगर आप FTP सर्वर को एक्सेस करके उसमें फाइल अपलोड या डाउनलोड करना चाहते हो या ऑपरेशन सारे परफॉर्म करना चाहते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग मेल सर्वर कैसे एक्सेस करते हैं। ये तो FTP सर्वर था हमारा, FTP सर्वर एक्सेस करके मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल सर्वर, हम मेल कैसे भेजते हैं अपने साइट के थ्रू, PHP साइट में हम मेल कैसे भेजेंगे, कैसे रिसीव करेंगे। ओके।